ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर नामांकन जमा करने का दौर जारी। बीजापुर जिले के 6 मतदान केंद्रों में करीब 20 साल बाद फिर से वोट डाल सकेंगे लोग। दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी सहित 26 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और कल चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी है, शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में महाअष्टमी की पूजा और अनुष्ठान के कार्यक्रम सम्पन्न किए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर सहित 7 लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी है। आज प्रदेश में 15 प्रत्याशियों के 32 नामांकन दाखिल हुए हैं। इनमें सरगुजा से 4, रायगढ़ से 2, जांजगीर चांपा से 3, बिलासपुर से 4, दुर्ग से 9 और रायपुर से 10 नामांकन प्राप्त हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर और दुर्ग में भाजपा प्रत्याशियों बृजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल की नामांकन रैली में शामिल हुए। इस दौरान दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। रायपुर में आयोजित नामांकन रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाना है। श्री साय ने कहा कि चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। रैली में सांसद सुनील सोनी, मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक अजय चंद्राकर सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। उधर दुर्ग में आयोजित नामांकन रैली को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि चुनाव वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत और वर्ष 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। श्री साय ने भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र के बारे में कहा कि अगले 5 साल में 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाने, 70 साल से अधिक वर्ष के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त इलाज की सुविधा देने और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने बीते 5 सालों में छत्तीसगढ़ को अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री सीमा बघेल ने भाजपा प्रवेश किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। श्रीमती बघेल वर्ष 1998 से 2003 तक अहिवारा नगर पालिका की अध्यक्ष रही हैं। वहीं राजधानी रायपुर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंद गुप्ता के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के नेता जयेश तिवारी ने अपने साथियों के साथ भाजपा में प्रवेश किया। गौरतलब है तीसरे चरण में नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 22 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोट डाले जाएंगे। बीजापुर जिले में इस लोकसभा चुनाव में ऐसे 6 मतदान केंद्र हैं जहां करीब 20 साल बाद लोगों को फिर से मतदान करने का मौका मिलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि माओवाद प्रभावित उसनार, बेचापाल, पालनार और गलगम क्षेत्र में स्थित 6 मतदान केंद्रों को बीते चुनाव में सुरक्षा कारणों से शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अब जिले में सुरक्षा बलों ने 8 नए कैंप स्थापित कर दिए हैं। इसके बाद अब इन इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को अब वोट डालने दूर नहीं जाना पड़ेगा और वे करीब 2 दशक बाद फिर से अपने करीबी मतदान केंद्रों वोट डाल सकेंगे। जिले के कलेक्टर अनुराग पांडे ने बताया कि इन मतदान केंद्रों के शुरू होने से यहां के ग्रामीण काफी खुश हैं। यहां कड़ी सुरक्षा में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। बीजापुर जिले में कुछ मतदान केंद्र ऐसे भी हैं जहां पहली बार जो बहुत लंबे समय बाद मतदान हो रहा है, जिनकी संख्या करीब 6 है और प्रयास रहेगा कि बीजापुर जिले में एक अच्छा मतदान का प्रतिशत हो। इसके लिए हमारा पूरा शासकीय अमला और निजी व्यक्ति सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं और जिले में विभिन्न स्तर पे जो स्वीप की जो कार्यक्रम है, जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, वो विभिन्न स्तरों पे किए जा रहे हैं। बीजापुर जिले में प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत महिला मतदान दलों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल की जा रही है। इसी कड़ी में गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में नगरीय निकाय क्षेत्रों के सभी 37 संगवारी मतदान केंद्रों में सिर्फ महिला मतदान दलों द्वारा आगामी 7 मई को मतदान कराया जाएगा। इनमें नगरीय क्षेत्र गौरेला में 16, पिंडरा में 11 और मरवाही में 10 संगवारी मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। कोंडागांव जिले में होम वोटिंग सुविधा के तहत केशकाल विधानसभा क्षेत्र के 56 मतदाताओं ने कल मतदान किया। इनमें 15 दिव्यांग और 41 बुजुर्ग मतदाता शामिल हैं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के कुल 116 मतदाताओं ने सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था, जिनमें से अब तक 56 मतदाताओं ने मतदान किया है। वहीं शेष मतदाताओं को मतदान करवाने के लिए मतदान दल कल 16 अप्रैल को उनके घर पहुंचेंगे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि भाजपा का संकल्प पत्र और उसमें किए गए वादे ही मोदी की गारंटी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र में ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस किया गया है। श्री देव ने कहा कि पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा और नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। अब आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा है कि भाजपा का चुनावी संकल्प पत्र निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में महंगाई और बेरोजगारी से राहत देने के कोई उपाय नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR News। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दंतेवाड़ा जिले में किनामी सहित 26 माओवादियों ने आज पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी माओवादियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया है। इन माओवादियों के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। आत्मसमर्पण के बाद इन सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि लोन वर्राटू अभियान के तहत जिले में अब तक 176 इनामी सहित 717 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के तहत मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करने प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत डौरा कोचली में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने आकाश में एयर बैलून छोड़कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्थानीय स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने स्लोगन और रंगोली के जरिए भारत का नक्शा बनाया। इस दौरान जनपद पंचायत के CEO रणवीर साय ने महिलाओं को छत्तीसगढ़ी बोली में मतदान करने की शपथ दिलाई। वहीं मितानिनों द्वारा विभिन्न में मतदान के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए मतदान तिथि याद रखें, 7 मई को मतदान करें जैसे नारों से दीवार लेखन का कार्य किया जा रहा है। इस बीच अग्नि सुरक्षा सप्ताह के मौके पर कल जिले में फायर ब्रिगेड के अधिकारी, कर्मचारियों और जवानों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। वहीं स्वीप कार्यक्रम के तहत दुर्ग स्थित पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा लोगों को मतदान का महत्व बताने के लिए सेंचुरी वोटिंग मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। उधर मुंगेली जिले के ग्राम चलान के सांस्कृतिक भवन में मत्स्य विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को मतदान का महत्व बताया गया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अपने ओडिशा प्रवास के दौरान नमामि दुनाकिनी अनुकुलिया में आयोजित उड़िया नववर्ष उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने ओडिशा के इतिहास, परंपरा, गौरव, संस्कृति और वीरता का जिक्र किया। उन्होंने ओडिशा वासियों से भाषा, साहित्य और संस्कृति की रक्षा के लिए नेतृत्व करने और राष्ट्र की भलाई के लिए कार्य करने का आह्वान किया। कल चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी है। इस दिन आदिशक्ति मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। राज्य की सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में महाअष्टमी की पूजा और अनुष्ठान के कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। वहीं जगह जगह हवन, पूजन और धार्मिक आयोजन के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं महाअष्टमी के दूसरे दिन रामनवमी के मौके पर ज्योति कलश और जवारे का विसर्जन किया जाएगा। दुर्ग में आज ट्रांसजेंडर दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में दुर्ग, बेमेतरा और बालोद के ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ वीरेंद्र कुमार स्वर्णकार और उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉ राजेश पांडे अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि जिले में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन प्रशंसनीय है। अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह के अवसर पर जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में रैली का आयोजन किया गया। रैली नगर सेना और अग्निशमन कार्यालय से शुरू हुई, जो कचहरी चौक, VTI चौक और नेताजी चौक से होते हुए वापस अग्निशमन कार्यालय पहुंची। इस दौरान बैनर पोस्टर के माध्यम से आम लोगों को अग्नि सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई और उन्हें जागरूक किया गया। गौरतलब है कि कल से शुरू अग्नि सुरक्षा सप्ताह आगामी 20 अप्रैल तक चलेगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के ग्राम बस्ती बगरा के रहने वाले सेना के जवान महेंद्र सिंह की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में बिलासपुर आर्मी कैंप के जवानों ने शामिल होकर उन्हें ससम्मान विदाई दी।
बिलासपुर पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने के मामले में स्कूल के एक शिक्षक सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेमेतरा जिले के ग्राम हाड़गांव में आज आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला किसान की मौत हो गई और धमतरी जिले की सिहावा पुलिस और साइबर सेल की टीम ने बीती रात ग्राम सांकरा स्थित फॉरेस्ट नाका चेकपोस्ट से वाहन चेकिंग के दौरान 11 किलो गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर नामांकन जमा करने का दौर जारी। बीजापुर जिले के 6 मतदान केंद्रों में करीब 20 साल बाद फिर से वोट डाल सकेंगे लोग। दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी सहित 26 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और कल चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी है, शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में महाअष्टमी की पूजा और अनुष्ठान के कार्यक्रम सम्पन्न किए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।